नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज सुबह अशोक तंवर ने दुष्यंत चौटाला को समर्थन दिया, जबकि शाम होते होते अशोक तंवर ने एलनाबाद विधानसभा में अभय सिंह चौटाला को समर्थन देने की घोषणा कर डाली। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक तंवर अलग अलग दलों से मुलाकात कर रहे हैं और आज तंवर ने सिरसा पहुंचे तो कुछ देर बाद अभय सिंह चौटाला अशोक तंवर से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुँच गए। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि एलनाबाद सीट पर वो अभय सिंह चौटाला का समर्थन करते हैं, साथ ही जिन सीट्स पर उनके प्रत्याशी मजबूत स्थिति में होंगे उनकी मदद के लिए भी जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इनसे भी हमारे संघर्ष के साथ देने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों का भी समर्थन देने की अपील की। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए ऐसा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि सुबह जेजेपी को भी इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि जहां जहां उनके जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका समर्थन ऐसा ही किया जाएगा। वहीं ऐसा ही वायदा अभय सिंह चौटाला से भी किया गया। अशोक तंवर ने कहा कि वो एलनाबाद सीट पर अभय सिंह चौटाला का समर्थन करेंगे। वहीं दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमारा दोनों का एक मकसद है कि इस प्रदेश में भाजपा को सत्ता से दूर रखना और कांग्रेस को सबक सिखाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर के साथ जो व्यवहार किया था वो ठीक नहीं था। मैंने उस वक्त भी अशोक तंवर का हमारे समर्थन में आने की अपील की थी। जब अशोक तंवर ने कांग्रेस को छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि जब मिलकर लड़ेंगे तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। आइए देखते हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। इलाके में मुख्यतः इंद्रो और कांग्रेस की लड़ाई, लेकिन समीकरण सारे बदल गए, अलग ही तरह की राजनीति और उसमें में सारा देख ही रहे, प्यार प्रेम के साथ सारे भाई इकट्ठे हैं और पहली बार यहाँ पर लोकसभा के अंदर इस संसदीय क्षेत्र में कमल खिला है। एक बार जब उन्होंने जमा दी तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए ये विधानसभा चुनाव जो है उसमें जड़े हमने जमने नहीं देनी है। मेरा तो हमने पहले ही कहा, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, कोई और नाथ होगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन अपने को ये देखना है कि इलाके की भलाई किसमें है। और मैं समझता हूँ कि आज वैसे तो देखो हमने, मैं तो कई दिन से कह रहा था, मैं तो अब जो है दलगत राजनीति से थोड़ा सा ऊपर आकर के देख रहा हूँ और जो अच्छा आदमी होगा उसकी मदद करूंगा, क्योंकि हमने 26 साल पूरी पार्टी की सेवा भी करी, संघर्ष भी किया और साथ ही हाथ हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो जेजेपी को हमने समर्थन वो भी दिया कि उनके अच्छे कैंडिडेट होंगे वहां भी देंगे और कोई दल होगा उनको भी देंगे। मैंने सबसे कहा पहले कि निर्दलीय कहीं है सबसे अच्छा हो और उसको लोकल पसंद करेंगे सबसे पहले उसकी प्राथमिकता है। कहीं बीएसपी है या कोई और छोटी पार्टी है, अगर वो कहीं मजबूत है तो उसकी प्राथमिकता है, उसके बाद आईएनएलडी जेजेपी इस तरह की जो पार्टी है वो प्राथमिकता है और उसके बाद उसके साथ साथ जिन लोगों ने कांग्रेस में हमारा खून पसीना एक करके साथ दिया वो भी हमने उनको भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि तो उन्हीं की लड़ाई की वजह से तो इस्तीफा दिया भाई। लेकिन हालात थोड़े से अलग है और समय बचा बहुत कम, मेरे को भी कई दिन के बाद आने का मौका मिला, और झंझटों में उलझे हुए थे, सबसे फीडबैक ले रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पे सारे लोगों की सलाह वगैरह में इस तरह का माहौल है। हम तो हमने तो मिठाई चला रखी है वैसे आपके नाम की जलेबी खाने, बस आपसे अनुरोध ये है कि जैसे हम कह रहे हैं जहाँ आपके मजबूत कैंडिडेट हो आईएनएलडी के वहाँ हमें बता देना और भी बता देना, लेकिन जहाँ हमारे ऐसे साथी जो संघर्ष जिन्होंने किया हो और वो कहीं आपके सहारे से उनकी नैया पार हो जाए तो उनकी भी नैया पार करवा देना। नहीं, हमने तो पहले दिन ही ये कहा था कि आज प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग दुखी है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, युवाओं के पास रोजगार नहीं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, अराजकता जिस तरीके से फैली, आज उस राज से हमें सबसे पहले छुटकारा पाने की ज़रूरत है। और जो ये नारा दिया था 75 बार, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे उसकी पूरी हवा निकल चुकी है और कहीं भी पूरे हरियाणा में जो भी मजबूत अच्छा उम्मीदवार होगा
जो भाजपा के प्रत्याशियों को हराने की स्थिति में होगा वहाँ हम पूरी मजबूती से उनका सपोर्ट करेंगे। और उसी क्रम में हमने आज सुबह जिसपा उन साथियों की भी बात आई थी, अभय जी से भी चर्चा हुई, और मैं समझता हूँ कि और भी इस तरह के कोई और उम्मीदवार होंगे, कहीं इंडिपेंडेंट होंगे, कहीं और इनकी पार्टी के होंगे, अच्छे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया 5 साल मिलकर के, उनकी भी मदद करेंगे। लेकिन प्रदेश से इस तरह के राज को उखाड़ फेंकने का जो हमारा संकल्प है वो हम मिलकर के पूरा करेंगे। इनके यहाँ अमित शाह जी की जो रैली थी वहाँ टोहाना, उनका ना आना इस बात का संकेत है कि उनको खबर लग गई कि वो पहले ही हार रहे हैं। तो आज और साथियों ने भी समर्थन किया तो बड़ी भारी जीत के साथ ये हरियाणा की विधानसभा में पहुंचेंगे, और इनके साथ साथ और भी जो भी साथी होंगे उनकी भी मदद हम करेंगे। और हमने इनसे ये भी कहा है कि जो हमारे साथी ऐसे जहाँ पर उनकी स्थिति मजबूत है और उनके सहारे से वो आगे बढ़ सकें, वो भी जीत हासिल कर सकें, वहाँ भी इनसे हम अनुरोध करें। तोमर साहब का और मेरा दोनों का एक मकसद है कि इस प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस, भाजपा सत्ता से बाहर हो और कांग्रेस सत्ता के नज़दीक फटके नहीं, क्योंकि जिस ढंग से लगातार पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस में कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तंवर साहब के साथ जो व्यवहार रखा, उसके बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब कांग्रेस ने सरेआम अपनी टिकटें बेचनी शुरू करी तो मान करके चलो जो भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी को सींचता है, कोई पार्टी के लिए लड़ता और मरता है, फिर उसको इस बात को लेकर के बड़ी तकलीफ होती है और फिर कोई ना कोई मजबूर होकर के बड़ा फैसला लेना पड़ता है। आज जो इन्होंने फैसला लिया, मैंने तो उसी दिन स्वागत किया था जब इन्होंने ये फैसला लिया कि ऐसे लोगों की वर्चस्व कांग्रेस के ऊपर हावी होगी जो कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रहे थे, ये कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे। अब आज के जो हालात हैं, भाजपा को कैसे रोका जाए, इसके लिए जो इन्होंने निर्णय लिया मैंने उसका भी उसी वक्त स्वागत किया। और मैंने इनसे कहा कि हम आप अगर मिलकर के लड़ेंगे तो 100% दलाल किस्म के लोग भी सत्ता पे काबिज नहीं हो सकेंगे। और जिन लोगों ने इस प्रदेश के ऊपर पिछले 5 वर्ष से अत्याचार किए हैं, जिस तरह से 5 वर्ष में इस प्रदेश के कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, स्टूडेंट्स को परेशान किया है, उनसे भी इस प्रदेश को मुक्ति मिलेगी। मुझे ये बात करने में कतई संकोच नहीं है कि अगली जो सरकार बनेगी उसमें तंवर साहब का बड़ा रोल होगा।